अवतार को मौला अली ने निशाने लियाकत अता किया है। जब वो बच्चा था, मौला अली ने उसे समझदार और होशियार कहा और फरमाया, ये बच्चा अहले बैत की दिलों के जख्मों के लिए मरहम बन जाएगा। मुख्तार का हाथ खुदा का दस्ते इंतकाम था, जिसने रसूल खुदा के लगते जिगर के कातिलों से इंतकाम लिया। बस करो औरत, तुम मुख्तार की बात कर रही हो या किसी पैगंबर उलुल अज़्म की? मुख्तार बंदा खुदा है और मुजरमीन से इंतकाम खुदा का वादा है। मुख्तार एक बड़े वादे के अंजाम के लिए चुना गया है। जो काम मुख्तार ने किया वो सिर्फ उसके जैसे अजीम लोगों के ही शायान शान था। इस मुशरकाना फिक्र के साथ तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। मुझे मालूम था कि ये अजीम मौका कुर्बानी चाहता है। जब तुम लोगों ने शरीयत, गैरत, शराफत की बातें करके ये चर्चा शुरू कर दिया था तो तुम्हारा नापाक इरादा साफ नजर आ गया था। तुम लोगों की बुजदिली भी नजर आ रही थी। तुम जैसे हकीर लोग मुख्तार के मुकद्दस मुकाबले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तुम लोग मुख्तार से डरते हो, उसका नाम सुनने से वहशत आती है तुम लोगों को। इस बेहया चुड़ैल की जबान काट कर इसका सर कलम कर दो। अमरा, ये क्या कर रही हो तुम पगली? मुख्तार को जुटला के अपनी जान को खरीद लो। मुख्तार हमारे स्फेर से अर्श से फर्श पर नहीं गिर जाएगा। खुदा हाफिज नारिया, हुरा को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। वादा करो उसके लिए एक अच्छी माँ बनोगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।